पिछौर विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी रही प्रीतम सिंह लोधी को कई बार हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन शायद उन्होंने अपनी हार से कोई शिक्षा नहीं ली। जाति पर राजनीति करने वाले प्रीतम सिंह लोधी को लगातार कई जगह हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके बाद भी प्रीतम ने अपनी मानसिकता को सुधारने का प्रयास नहीं किया। ताजा घटना बदवास के खरे ग्राम की है, जहां पर 17 अगस्त को वीरांगना अवंतीबाई लोधी जयंती पर अखिल भारतीय लोधी महासभा के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर सार्वजनिक मंच पर बोलते हुए प्रीतम लोधी ने भागवत कथा राम कथा के विद्वान आचार्य पंडितों के खिलाफ बयान दे डाला। इसके साथ ही महिलाओं व युवतियों पर भी ब्राह्मणों की नजर गलत रहती है, ऐसी टिप्पणियां की। प्रीतम लोधी का ये भाषण सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। ब्राह्मणों के साथ अन्य समाजजनों ने भी खुलकर विरोध किया। कई संगठनों के द्वारा प्रीतम लोधी पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार विमर्श हो रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रीतम लोधी के द्वारा एक पोस्ट के जरिए माफी मांगी गई है। भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद ब्राह्मणों पर भाजपा नेता के द्वारा दिए जाने वाली अभद्र टिप्पणी आने वाले चुनाव में भाजपा पर कितना असर डालेगी, ये देखना होगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व से प्रीतम लोधी के इस बयान पर कोई भी अभी तक सफाई नहीं दी गई है। अच्छी मूव भरी होगी बढ़िया, यह मूव होगी इसमें बढ़िया, तो वो आके नहीं डेरा डाल लेगा उस परिवार में, क्योंकि वो ये जजमान है उसका, उसके बगैर उसका घर नहीं चलता है। वो कहेगा अरे ठाकुर साहब आपके लोधी जी आपकी मूव भरी अब की बार तो इतने क्विंटल हुई है, अब तो कुछ भगवान ने दिए जिन्हें मेहनत की है, वो नहीं कह रहा भगवान ने दिए, अब तो बनता है भागवत भागवत करो भैया, उसके ऊपर सर पर रख दी आपको आगे इतना और देगा, उसने भागवत रख दिया। अब भागवत में पंडित जी बैठेंगे बहुत ऊंची जगह पे, अब तुम कहां बैठोगे नीचे, और बैठे बैठे वो तुम्हें कम से कम नहीं तो 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा वो, तो हम पागल बनते हैं। एक हमारे यहां भी ऐसा हुआ था, हम पागल बनते हैं उसकी बातें सुनते हैं, सबसे ज्यादा वो दान की बात करता है, तो जितने दान दोगे उतना भगवान तुमको देगा, पूरा काम दोगे और ज्यादा देगा, तो पूरी महिला जितनी आती है अपने घर में जो भी होता है घी शक्कर चना मठा या दूध या गेहूं चावल सब चढ़ा के धीरे से बांध लाएंगी, वहां पे बैठ जाएंगी, फल फ्रूट वगैरह ऐसी चीजें लाएंगी और उसके चरणों में अर्पण कर देंगी, बच्चे को नहीं खिलाएंगे अपने को, उस ब्राह्मण देवता को अर्पण कर देंगी। वो 9 दिन में पूरे गांव पूरे क्षेत्र का सामान और दक्षिणा भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके और 9 दिनों में रफू चक्कर हो जाता है, तुम्हारा पूरा पैसा ले गया, तुमको पागल बना गया और ले गया। उसमें एक चीज और कर जाता है, वो कम से कम नहीं तो बातें करने के बाद में उल्लू बना रहे, तुमको उल्लू बना रहा है तुम्हारी बातें करने के लिए, कम से कम 50,000-25,000 तो लेता ही नहीं लेता, पैसे भी ले गया तुम्हारा। दूसरा क्या कहता है, अब वो देख लेता कि ये महिलाएं अच्छी कौन से घर की है, सुंदर महिला कौन से घर की है, कोई पता कर लेता है, वो पता करेगा उसी का नाम लेगा, रहा भैया श्याम का भोजन तो आपके पास आज भोजन करेंगे महाजी, वो भी देसी घी का, दूध में पानी नहीं होना चाहिए देसी घी होना चाहिए, आप ऐसी चीज बनाइए आज आज महाराज आपके घर पर भोजन करेंगे। उसको इतना फुला देता है माइक से ही, वो सोचता है कि मेरा नाम माइक में लिया जा रहा है, और वो घर जाके इतनी तैयारी करता है, सब चल जाता है, आज महाराज हमारे घर में आ रहे हैं, ली पहेंगे पोत देंगे बढ़िया, उसके लिए बिस्तर बनाएंगे बढ़िया बैठा लेंगे, और उसकी नजर कहीं और होगी, खाना तो खाता ही है और लाल पड़ रहे हैं, खा के नहीं हमारा माल खा के खुद लाल पड़ रहे हैं और हमको बना दे रहे हैं। और मेरे भाइयों